नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। आदर्श आचार संहिता को लेकर पलवल जिला उपायुक्त ने शहर का दौरा किया और सरकारी भवन, पार्टी कार्यालयों पर लगे बैनर व पोस्टर व होर्डिंग को हटाने के लिए निर्देश जारी किए। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार व नगर परिषद के अधिकारी मौजूद थे। पलवल जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने आचार संहिता के पालन को लेकर शहर में दौरा किया। उपायुक्त ने आगरा चौक पर भाजपा नेता व हैफेंड के नवनियुक्त चेयरमैन सुभाष कत्याल के कार्यालय पर लगे बोर्ड को हटाने का निर्देश जारी किया। इसके उपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में जाकर प्रधानाचार्य के कार्यालय में भाजपा पार्टी से संबंधित लगे कैलेंडर को हटाने व कॉलेज की दीवारों पर लिखे हुए स्लोगन को हटाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने हुड्डा सेक्टर 2 पर हैफेंड के चेयरमैन सुभाष कत्याल के स्वागत में लगाए जा रहे स्वागत गेट को के ऊपर से बैनर व पोस्टर को हटाया और पार्टी के कार्यकर्ता को आचार संहिता की पालन करने के बारे में निर्देश दिया। उन्होंने कमेटी चौक पर लगे बैनर को हटाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को आदेश दिया। उपायुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ गाइडलाइन निर्धारित की गई है, जिसका पालन जिला प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी इमारतों पर पार्टियों के बैनर व पोस्टर नहीं लगे रहने चाहिए। यदि लगे हैं तो जिला प्रशासन द्वारा उन्हें हटवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पलवल शहर का दौरा किया गया, जहां पर पार्टी कार्यालय पर पार्टी से संबंधित बैनर व पोस्टर लगे हुए थे। नगर परिषद कार्यालय के अधिकारी को उन्हें हटाने का निर्देश दे दिया गया है। देखिए, चुनावी आचार संहिता के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ गाइडलाइंस तय की गई है, जिनकी पालना जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। जैसे कि और सरकारी इमारतों पर पार्टियों से संबंधित फोटो बैनर नहीं लगे होने चाहिए, अगर लगे हैं तो हम उनको हटवा रहे हैं। इसी तरह आचार संहिता के दौरान किसी प्रकार कोई टेंडर नहीं होना चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं होने चाहिए या कोई और हमारे लेवल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम भी नहीं होना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।